हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ पे हो रहे क्लाइमेट चेंज, वॉर्स और पेंडेमिक जैसे डिजास्टर्स की वजह से अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं है। इसीलिए सारे अमीर लोग और रूलिंग और एलीट क्लास के लोग केपलर 209 नाम के प्लेनेट पर चले गए थे। लेकिन वहां पे जाने के बाद उनके रिप्रोडक्शन यानी अगली जनरेशन को लाने की कैपेसिटी बॉडी में नहीं रही। इसीलिए केपलर के लोग प्लान बनाते हैं कि अर्थ वापस हैबिटेबल है या नहीं, ये देखने के लिए उन्हें अर्थ पे जाना होगा। और उसी के चलते लाइसिस नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट अर्थ की कंडीशन चेक करने आते हैं। लेकिन जैसे ही अर्थ पे आते हैं, केपलर के साथ उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। इसलिए वहां से लाइसिस 2 प्रोजेक्ट के लिए दूसरे स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है। और इसी में हम देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट काफी तेजी से नीचे की तरफ आता है और पानी में गिरता है। उसमें 3 साइंटिस्ट होते हैं। ब्लेक नाम के एस्ट्रोनॉट अपने बाकी के 2 साथी केक और टकर को पानी से निकालने की कोशिश करती है। वो टकर को जैसे ही बचाती है, उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है, लेकिन वो खुद भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब वो देखती है कि केक की मौत हो चुकी है, लेकिन दूसरा एस्ट्रोनॉट यानी टकर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे काफी चोट आई थी। अब वो आसपास की चीजें मॉनिटर करती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे रेडिएशन के कोई भी साइन नहीं है और ये जगह अभी के लिए सेफ है। इसके बाद अब ब्लेक इस जगह में लाइफ ढूंढने की तलाश में थोड़ी दूर चली जाती है और वो देखती है कि कुछ वाटर एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे थे। टकर और ब्लेक माइक्रोफोन से कनेक्टेड थे। टकर ब्लेक को अपनी फर्टिलिटी टेस्ट करने को कहता है क्योंकि यहाँ कोई रेडिएशन नहीं था, और ब्लेक अपने बायो किट निकाल कर टेस्ट करने लगती है, लेकिन वो निगेटिव आता है। कुछ ही देर में हर जगह कोहरा छा जाता है और टकर उसे वापस आने को कहता है, लेकिन ब्लेक टकर को कहती है कि उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें फ्लेयर गन फायर करना होगा जिससे कि वो टकर तक पहुंच सके। टकर फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन उस गन को देख कोई और इंसान इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब तक ब्लेक वहां पहुंचती है, टकर को वो लोग लेके जा चुके थे, और कुछ ही देर में वे लोग ब्लेक को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे टकर के साथ रखा जाता है, जहाँ पे टकर की हालत और भी खराब होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये इंसान दरअसल अर्थ पे रहे हुए सर्वाइवर्स थे जो केपलर पे नहीं जा पाए थे। ब्लेक उन लोगों से अपने मेडिकल किट मांगती है ताकि वो टकर की हेल्प कर सके, और उसे बाहर भी निकाला जाता है, लेकिन वो लोग ब्लेक को पहले उनके घायल मेंबर को ठीक करने के लिए कहते हैं। वहाँ पे इंग्लिश सिर्फ उनके लीडर नार्विक को ही पता थी, तो वो उसे किट देती है जिसे ब्लेक उस मेंबर को ठीक करके वापस टकर के पास आती है और उसे इंजेक्शन देकर बताती है कि उसने यहाँ पे इन इंसानों के बच्चों को भी देखा है, यानी धरती पर रिप्रोडक्शन हो रहा है और शायद हम लाइसिस 1 के मेंबर्स को भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन टकर ब्लेक को कहता है कि उसका ब्लड बहुत ही लूज हो गया है और अगर वो उसे अपने साथ लेकर चलेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। और ऐसा बोलने के बाद ही टकर सीधा अपने लॉकेट से सुसाइड पिल निकाल कर खाता है और वहीं पे अपनी जान देता है ताकि एटलीस्ट ब्लेक अपने मिशन में कामयाब हो सके। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लाइसिस 1 जो कुछ सालों पहले छोड़ा गया था, उसमें ब्लेक के पिता थे जिन्हें ढूंढने के लिए ब्लेक अर्थ पे आई थी। ब्लेक के पिता उसे अर्थ के बारे में बताया करते थे और जब वो छोटी थी तभी वो अर्थ पे आए थे। अब प्रेजेंट में हम आते हैं जहाँ पे ब्लेक एक डरावने सपने से उठती है और आसपास जो बच्चे रहते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर पानी गिराते हैं। लेकिन वहाँ पे मायला नाम की एक बच्ची रहती है जो ब्लेक से बात करने की कोशिश करती है। ब्लेक उसे ड्रॉइंग की मदद से समझाती है कि वो दूसरे प्लैनेट से आई है और उसे अपना रेड बॉक्स चाहिए। मायला उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ब्लेक को काफी चीखने की आवाजें आने लगती है और कुछ बच्चे आके उसके यहाँ पे छुप जाते हैं। बाहर वो एक गैप से देखती है तो बाहर काफी भगदड़ मची हुई थी। वो क्रैक से देखने पर उसे पता चलता है कि इस कबीले के लोगों के ऊपर किसी तरह का हमला हुआ है। उसे सामने मायला भी दिखाई देती है जिसके हाथ में रेड बॉक्स होता है। तभी एक बच्चा वहाँ पे रोने लगता है, इसीलिए ब्लेक नीचे उतरकर उसे अपने गोदी में लेती है और पहली बार उसे मदरहुड का एहसास होता है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत होता है और तभी कबीले की लीडर नार्विक आके सबको बाहर निकालती है और वो मायला को ढूंढने लगती है। और यहाँ पता चलता है कि मायला नार्विक की बेटी है। मायला ढूंढने पर भी नहीं मिलती, यानी जो भी लोग आए थे वो मायला को किडनैप करके लेके गए थे। नार्विक अब फ्लेयर गन से मायला को लेने के लिए निकल जाती है और उसके पीछे ब्लेक भी चलने लगती है।
थोड़ी दूर से आ रही आवाज से ब्लेक और नार्विक को वो लोग मिल जाते हैं, लेकिन दोनों भी दूर से उन लोगों को देख रहे थे जो कि जबरदस्ती लोगों को बोट में भर रहे थे। नार्विक ये देखकर फ्लेयर गन उनकी तरफ मारने लगती है, लेकिन ब्लेक उसे समझाती है कि इससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो लोग उन्हें पकड़ कर लेके जाएंगे। लेकिन नार्विक नहीं मानती और गन फायर करती है उसे रोकने के लिए। तभी ब्लेक नार्विक को मारकर बेहोश कर फ्लेयर गन को दूसरी तरफ फायर करके उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है। जब सभी लोग उस फ्लेयर गन की तरफ जाने लगते हैं, तो ब्लेक चुपके से उनके शिप में चली जाती है। वहां जाकर उसे अपना रेड बॉक्स मिल जाता है, लेकिन ब्लेक बॉक्स तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो लोग वापस आ जाते हैं और ब्लेक को भी बाकी पकड़े हुए लोगों के साथ छुपना पड़ता है। कुछ देर के बाद सबको बाहर निकाल कर बहुत ही बड़े लेकिन टूटे हुए शिप में लेके जाया जाता है, जहां सबको लाइन में खड़ा किया जाता है। वहां पे पेलिंग नाम का एक लड़का कुछ लोगों को लाइन से निकलकर अंदर की तरफ भेज देता है और बाकियों को गन दिखाकर डराने लगता है, लेकिन वो ब्लेक की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है और ब्लेक के लॉकेट को देखकर वो हैरान होता है, मानो वो उसे पहचानता हो, और ब्लेक को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पेलिंग ब्लेक को गिट्सन के पास लेकर जाता है जो कि उनका लीडर था। गिट्सन ब्लेक को देखकर काफी सरप्राइज होता है और बताता है कि वो यहाँ पे लाइसिस यानी केपलर की जो पहली स्पेसक्राफ्ट थी उससे यहाँ पे आया था। तभी ब्लेक बहुत ही छोटी थी और जब वो केपलर से निकला था तब ब्लेक काफी छोटी थी। वही नेल नाम का छोटा बच्चा भी था जो कि इंग्लिश बोलना जानता था। गिट्सन ब्लेक को बताता है कि उसने नील को अडॉप्ट किया था। आगे गिट्सन ब्लेक को बाकी के क्रू के बारे में पूछता है। तभी ब्लेक बताती है कि सारे लोग मारे गए हैं, जो स्पेसक्राफ्ट पॉड था वो भी डैमेज हो गया है, जिससे कि केपलर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है अब तक, लेकिन उसके पास बायोमेट्रिक यानी वही रेड बॉक्स है जिससे उसे काफी मदद होगी, लेकिन वो बॉक्स उसके आदमियों के शिप पर ही रखा है जिससे यहाँ की फर्टिलिटी के बारे में केपलर को बताया जा सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन अकेले कॉन्टैक्ट नहीं हो सकती, उसके लिए लाइसिस 1 के ट्रांसमिशन की हेल्प लग सकती है। अब गिट्सन उसे बताता है कि लाइसिस 1 पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर ब्लेक अपने पापा के बारे में पूछती है। गिट्सन उसे बताता है कि यहाँ पहुँचने पर उन्हें अर्थ के सर्वाइवर का सामना करना पड़ा था जिन्हें वो मर्स कहा करते थे, और तुम्हारे पिता मर्स के लोगों के साथ काफी अच्छे थे, लेकिन जब तुम्हारे पिता ने उनके क्रू को केपलर पर कम्युनिकेट करने की कोशिश की तब मर्स के लोगों को तुम्हारे पिता काफी अजीब लगने लगे, और इसी कारण से मर्स उनके खिलाफ हो गए और उनका सामान पूरा तोड़ दिया, जिसमें तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। गिट्सन अब ब्लेक को उसके पिता ने बनाई हुई कुछ हाईटेक मशीन्स की ड्राइंग दिखाता है और उनमें से एक पर वो लोग काम कर रहे थे ये भी बताता है, जिससे कि वो एनर्जी बना सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे एक नई सिविलाइजेशन बन सकती है। अब ये सब कुछ बातचीत होने के बाद ब्लेक को एक कैबिन दिया जाता है, जहाँ फ्रेश होने के बाद उसे पता चलता है कि वो अभी मेंस्ट्रुएट कर रही है, यानी अर्थ पर आने के बाद उसके रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई थी, जिससे कि वो काफी खुश होती है। अब गिट्सन ब्लेक को वहाँ के बच्चों से मिलवाता है जो कि किसी तरह के क्लास में थे, और यहाँ पे बच्चों को केपलर के बारे में भी बताया जाता है। वहाँ से निकलकर ब्लेक घूमते हुए नील के पास पहुँचती है जो कि एक छोटे से प्लांट के पास बैठा था, और ब्लेक को बताने लगता है कि ये सारे ट्री है और ये हमसे भी बड़े हुआ करते थे हर तरफ से। ये सुनकर ब्लेक का चेहरा पूरा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट बात उसके पिता ने उसे बताई थी जब वो छोटी थी, और पेड़ पौधे ट्रीज ये सारे अर्थ से काफी पहले खत्म हो चुके थे। वो नील से पूछती है कि ये बात तुम्हें किसने बताई, तो नील कहता है कि वो वेंटिलेशन पाइप से क्रिस्टोफर कोलम्बस से बात करता है जिसने उसे ये सब कुछ बताया, और वो इंजन रूम के साइड वाले केबिन में रहता है, लेकिन उसे वहाँ जाना अलाउड नहीं है। अब ब्लेक को शक होने लगता है कि शायद उसके पिता जिंदा है और कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसीलिए ब्लेक उसी तरह जाने निकलती है और वहाँ पहुंचकर दरवाजे पर लगे ग्लास से अंदर देखती है तो अंदर कोई बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पे गिट्सन आ जाता है और ब्लेक गुस्से में उसे पूछती है कि उसने उसके पापा के बारे में झूठ क्यों कहा, जिस पर गिट्सन कहता है
कि केपलर से कांटेक्ट ना कर पाने में उसके पिता का ही हाथ है। उन्होंने ही सारे मशीन को तोड़ दिया था ताकि केपलर से लोग यहाँ पे ना आ सके। लेकिन ब्लैक को ये सारी बातें झूठ लगती है, इसके लिए वो जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और अपने पिता को गले लगाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसे अपने छोटे बेटी को केपलर पर अकेला छोड़ आए थे। इस पर स्टैमफोर्ड यानी ब्लैक के पिता उसे कहते हैं कि अपने आसपास देखो, मर्ड्स के लोगों के साथ क्या हो रहा है। मर्ड्स के लोग यानी सालों से जो लोग धरती पे रह रहे हैं वो लोग, और केपलर से लोग आने के कारण मर्ड्स के लोगों की पूरी एक जो जीवन शैली थी वो नष्ट हो रही थी, क्योंकि इस धरती को केपलर से आए हुए लोग वापस पहले की तरह बनाना चाहते थे। और इसी सदमे के कारण स्टैमफोर्ड ने सारी चीजें तोड़ दी थी। अब ये सब कुछ सुनकर ब्लैक गुस्से में वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद गिट्सन ब्लैक के पास आता है और ब्लैक को बताता है कि यहाँ पे एक वेदर स्टेशन है, उसे बायोमेट्रिक मशीन जोड़कर केपलर से कनेक्ट हो सकता है। अब रात को सब डिनर करने लगते हैं और नील की मॉम ब्लैक को बताती है कि नील की डिलीवरी के टाइम पर गिट्सन ने उन दोनों की जान बचाई थी और उन्हें अपनी फैमिली बना लिया था। इनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पेलिंग आकर बताता है कि मर्ड्स के लोगों ने जनरेटर ऑफ कर दिया है। गिट्सन, ब्लैक और फैमिली को किसी सेफ रूम में जाकर छुपना होगा, लेकिन ब्लैक गिट्सन के बात ना मानते हुए खुद नीचे आती है। वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि नीचे और कोई नहीं बल्कि नैरविक थी यानी मर्ड्स की लीडर, जो माइला को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। ब्लैक उसे अपने साथ आइला के पास लेके जाती है, लेकिन वहाँ वो लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी छोटी लड़कियाँ थीं। इसी बीच में वहाँ पे गिट्सन के लोग आ जाते हैं और नैरविक को लेके जाते हैं, जिस पर ब्लैक गिट्सन पर नाराज होकर पूछती है कि वो मर्ड्स के बच्चों को ऐसे किडनैप क्यों कर रहा है। तभी गिट्सन कहता है कि केपलर पर सारे फीमेल्स की एज 35 के ऊपर हो चुकी है और केपलर से यहाँ आने में 8 साल चले जाते हैं, जिसके बीच में कोई भी औरत बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी खो चुकी होंगी। इसीलिए वो इन लड़कियों को रख रहा है ताकि जब तक केपलर से लोग आएंगे तब तक ये लड़कियां बड़ी हो जाएंगी और इनसे वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्लैक ये सब कुछ सुनकर काफी गुस्सा होती है और गिट्सन को ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है, लेकिन गिट्सन उसे ना सुनते हुए उसे कहता है कि बायोमेट्रिक मिल गया है और वो जल्द से जल्द केपलर को कनेक्ट करे और उनके लोगों को यहाँ पे बुला सकती है और साथ ही अपने लोगों को ब्लैक पर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब ब्लैक को समझ आता है कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया था। अब अपने केबिन में आने के बाद ब्लैक को माइला दिखाई देती है जो कि छुपी हुई थी, लेकिन उसी वक्त पाइलिंग भी उसके रूम को चेक करने आता है। पाइलिंग ब्लैक को अकेले देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन ब्लैक किसी तरह से उसे मार देती है। फिर ब्लैक माइला को लेकर नैरविक के पास जाती है और बाकी के मर्ड्स को भी आजाद करती है। इसके बाद मर्ड्स पूरे शिप पर हमला कर देते हैं। ब्लैक अब अपने पापा के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। इसी बीच में उसके पिता खिड़की से देखते हैं कि गिट्सन अपने फैमिली के साथ शिप से बाहर वेदर स्टेशन जा रहा है। इस पर ब्लैक के पिता उसे कहते हैं कि अगर उसने केपलर के लोगों को यहाँ पे बुला लिया तो यहाँ पे जो मर्ड्स है यानी धरती पे जो रह रहे थे उन लोगों को वो लोग गुलाम बना देंगे, जबकि मर्ड्स तो अर्थ के ही लोग थे, ये सब मर्ड्स के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ब्लैक मर्ड्स को एक शिप में पहुंचाने देती है और खुद गिट्सन के पास जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि गिट्सन बायोमेट्रिक से नील का सैंपल केपलर पर भेज रहा था। ब्लैक उसे गन दिखाकर रुकने कहती है, लेकिन गिट्सन नील पर ही गन रखकर ब्लैक को रुकने के लिए कहता है और साथ ही नील के मॉम को सच बताने के लिए कहता है। नील की मॉम बताती है कि दरअसल नील ब्लैक का भाई है यानी स्टैमफोर्ड उसके पिता है। ये सुनते ही अब उसे कैसे भी नील को बचाना था, जिसके बाद गिट्सन नील की मॉम को मार देता है। अब ब्लैक नील की जान बचाने के लिए गन नीचे रखती है। इसके बाद गिट्सन केपलर पर बायोमेट्रिक से मैसेज भेजता है, लेकिन तभी ब्लैक गिट्सन के ऊपर हमला कर उसे पानी में डुबा देती है और उनकी काफी लड़ाई के बाद ब्लैक उसे पानी में डुबा कर मार देती है, लेकिन उसके बाद वो खुद भी पानी में डूबने लगती है। लेकिन उसी समय नैरविक उसे पानी से निकाल कर बाहर लाती है और उसके शरीर से पानी निकाल कर उसकी जान बचाती है। अब ब्लैक, नील, उसके पिता और सारे मर्द शिप पर आते हैं। ब्लैक नील के पास बैठती है और तभी नील उसे पूछता है कि क्या कोई केपलर से आ रहा है।
तभी ब्लेक कहती है कि हाँ सारे लोग आ रहे हैं और अभी हमें रेडी रहना होगा उनका सामना करने के लिए। और कहानी इधर ही ख़त्म होती है।